कॉलोनी में मुंह और बीमारी फुट एंड माउथ डिजीज से रोजाना दर्जनों के हिसाब से जानवर जो हैं वो फोर्सफुली स्लाटर हो रहे हैं, और ये एक जो अदारे इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि वो मुंह और बीमारी फुट एंड माउथ डिजीज को कंट्रोल करें, ये उनके दावों का खुला सबूत है कि उन्होंने इस बीमारी के हवाले से पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान में फुट एंड माउथ डिजीज को रोकने के लिए सिर्फ वैक्सीन प्रोडक्शन प्लांट लगना चाहिए था, जो 71 सालों में नहीं लगा, और जो लोग अपने बंद कमरों में मुंह और बीमारी के रोकथाम के बनाते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ये उनके लिए एक शर्मनाक मंजर है कि भैंस कॉलोनी में रोजाना सैकड़ों की तादाद में जानवर जो है वो मुतासर हो रहे हैं, दर्जनों जो है वो जबा हो रहे हैं। तो ये जो हुकूमत सोई हुई है ये किस दिन जागेगी, उन्हें कब इस चीज़ का होश आएगा कि बीमार जो बेचारा जो फार्मर है वो किस कदर अजाब का शिकार है, और ये उन नाअहल लोगों की वजह से है, वो उन नाअहल अफसरान की वजह से है जिनके लिए ये जरूरी था कि वो इसकी रोकथाम करें, मगर उनको कोई वो इतने ढीठ हैं कि उन्हें कोई इस चीज़ की हया नहीं आ रही। ये जो जानवर इस वक्त ज़बह हुआ है ये फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से है, ये उनके लिए एक चैलेंज है कि वो बंद कमरों से बाहर निकलें, भैंस के लूनी में आएं, और ये जहाँ पे जो क्यामत सुगरा बर्पा हुई है उसका मुदावा करें, अदरवाइज ये कल लोग उनके घरों पे जाएंगे और उनको घरों से खींच के बाहर लाएंगे।